ये आ गई मैगी मैगी अरे भाई ये देखिए चीज ऑनियन ये आ गया अनियन सेजवान सॉस शेजवान सॉस शेजवान मसाला ये कौन सा डोसा लगाने जा रहे अभी चोकोलावा डोसा चोकोलावा डोसा हेलो गाइस वेलकम टू चैनल इंडिया एट मीनिया मैं गुलशन चौहान आपको लेके आया हूँ कलकत्ता के एक बहुत ज़्यादा फेमस शॉप जो कि अपनी डोसास के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी के डोसा होते हैं तो इसका नाम है फिरंगी मद्रास तो यहाँ का जो चीज़ बस मैगी डोसा है बहुत ज़्यादा फेमस है तो चलिए चलते हैं इनके ओनर से बात करते हैं अपने लिए डोसा लगाते हैं और उसकी मेकिंग देखते हैं हमने ये स्टार्ट किया था जनवरी 2018 में एक नॉर्मल जो मसाला डोसा का जो मसाला का है उसके साथ एक वैरायटी है चीज बर्स डोसा एक जीनी डोसा है जहाँ फ्रेश वेजीज यूज होते हैं एक है पिज्जा डोसा जो प्रॉपर मैदा का पिज्जा के बेस के बदले आप डोसा का पिज्जा का बेस करिए और वो पिज्जा डोसा है देन वी हैव पेरी पेरी पनीर डोसा जिसमें जिसको स्पाइसी पसंद है उसके लिए है एक है स्प्रिंग रोल डोसा जो चाइनीज लवर है उसमें थोड़ा फ्लेवर जो आता है मंचूरियन का आता है एंड एक है चाइनीज डोसा नॉर्मल जो नूडल्स के साथ रहता है उसके अलावा फिर वी हैव शाही इडली टुकड़ा इन डोसास में बताऊं तो पिज्जा डोसा एक है और उसके बाद चीज बस मैगी डोसा है जो लोग बहुत लव करते हैं यंगस्टर्स को बहुत पसंद है जिन्हें मैगी पसंद है दे ऑल्सो लव इट और जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं दे ऑल्सो गो फॉर चीज बस मैगी डोसा हम लोग सुबह 10 बजे से वी आर ओपन टिल 10 PM एट नाइट वी आर लोकेटेड एट 22 ब्लॉक सी बांगुड एवेन्यू नियर सुपर मार्केट कोलकाता 55 ये हमारा डोसा लगने जा रहा है कौन सा डोसा ये चीज बस मैगी डोसा आ गई मैगी मैगी अरे भाई ये देखिए चीज ऑनियन ये आ गया अनियन सेजवान सॉस शेजवान सॉस शेजवान मसाला तो ये चीज लेने जा रहा और ज्यादा ऊपर से कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में और ये ऊपर से आके स्प्रिंग अनियन ये कौन सा डोसा लगाने जा रहे अभी चोकोलावा डोसा चोकोलावा डोसा तो ये चॉकलेट की थोड़ी लेयरिंग लग रही है ऊपर से तो क्या क्या डलता है भैया इसमें चॉकलेट जाता है वो बटर जाता है तो इसका भैया प्राइस क्या रहता है 290 रुपीज तो ये चॉकलेट की अंदर लेयरिंग थी और इसको पूरा एकदम रोल कर दिया मैंने फाइनली मेरा चीज़ बस मैगी डोसा यहाँ पे रेडी हो चुका है तो देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में एकदम एकदम चार टावर लगाया है ऊपर से चीज़ एकदम मेल्टिंग चीज़ डाला हुआ है और इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ की फिलिंग हुई है और ऊपर से इन्होंने डाली है स्प्रिंग अनियन और अंदर है मैगी की फिलिंग तो मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ जल्दी से तो वाकई में इसका डोसा बहुत ज़्यादा टेस्टी है मुझे लग नहीं रहा था कि मैगी के साथ भी इतना बढ़िया डोसा बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें चीज़ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है मैगी जो बनाई है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है और डोसे के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये मुझे इनका डोसा बहुत ही टेस्टी लगा तो अगर आप कोलकाता विजिट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इनका चीज़ बस मैगी डोसा एक बार जरूर टेस्ट कीजिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है एंड यहाँ का फेमस चोकोलावा डोसा यहाँ पे लग चुका है मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या डाला है तो ये इनका डोसा तो देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है तो ये डोसा है इसके अंदर इन्होंने चॉकलेट की फिलिंग की हुई है तो ऊपर से इन्होंने गार्निश किया है चॉकलेट सिरप से और साथ में दिए वैनिला आइसक्रीम तो इसको मैं जल्दी से टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कैसे टेस्ट तो इसको एक बार ब्रेक कर लेते हैं बीच में से तो देखो कितनी ज़्यादा चॉकलेट है अंदर थोड़ा सा वैनिला आइसक्रीम ले लेता हूँ तो वाकई में बिल्कुल भी मालूम नहीं हो रहा है कि ये डोसा है बाहर से बहुत ज़्यादा क्रंची है लेयर और अंदर से चॉकलेट की फिलिंग है चॉकलेट का टेस्ट इतना बढ़िया है मज़ा आ गया खा के और अगर आप वैनिला आइसक्रीम खा हुए तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है तो अगर आप यहाँ पे विजिट कर रहे हो तो आप ये डोसा ट्राई कर सकते हो इसका प्राइस है 290 रुपीज़ तो मुझे इनका डोसा बहुत ही अच्छा लगा तो ये इंडिया एट मीनिंग की तरफ से रिकमेंडेड है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए तो इसको मैं आप जल्दी से यहाँ पे फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में